इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको आपके मोनेटाइजेशन पर अगर आपको दिखाई देता है मोनेटाइजेशन ऑन तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इस तरीके से दिखाई देता है एक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में जो है हमें दिक्कत आती है हमारे एड सर्फ होने में या किसी के एड सर्फ होने में, तो हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। देखिए, उस सिचुएशन में सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस दिखाई देती है आपको, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे जाएगा, मोनेटाइजेशन ऑन ऑफ का ऑप्शन भी होगा यहाँ पर, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ऑफ़ करना है पहले तो मोनेटाइजेशन, और उसके बाद यहाँ पर जाना है आपको सिलेक्ट ऑडियंस पर, एंड यहाँ पर इसे नो कर देना है। अब इसे बैक लाना है और अब मोनेटाइजेशन को ऑन कर देना है, ठीक है, और अब इसे सेव करना है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपकी वीडियो नो मेड्स फॉर किड है तभी लगाइएगा, अगर मेड्स फॉर किड है तो उसे मत लगाइएगा, वरना वापसी आपकी ऐसी ही हो जाएगी। और इसमें दिक्कत आती है जब आप गलत वीडियो को गलत चीज़ पर ओके कराते हैं, अगर वो पकड़ी गई तो फिर आप उसे रिक्वेस्ट रिव्यू रिक्वेस्ट में ही भेज सकते हैं, उस अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद उसे सेव कर दीजिए आप, ठीक है। सेव करने के बाद आप उसे देखिए कि ये क्या दिखा रहा है, मोनेटाइजेशन ऑन आपको ये शो कर गया होगा। देखिए, आप पर देख सकते हैं, आप ये शो कर गया, तो पहले हमें नहीं कर रहा था लेकिन अब हमें कर गया है। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका सिंपल सा। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।